गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मंडे है और ऑफिस का टाइम हो चुका है जाने का। हम निकल चुके हैं। आज थोड़ा सा मैं रूट जो है वो चेंज दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मामू की दिक्कत रहती है सिटी के अंदर। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही की है तो सिटी के अंदर इतना जा नहीं सकते हैं, इस हिसाब से ही मैं थोड़ा सा आउट से होके और फिर ऑफिस निकल रहा हूँ। तो ये सेंट विल्फ्रेड कॉलेज हमारा आ चुका है। तो गाइज, मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मैं हूँ अक्कू रंगरेज, मैं जयपुर के सांगानेर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मेरा रोज का ड्यूटी का टाइम है 10 to 7, बट थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ आज। टाइम काफ़ी हो चुका है, 9:35 तो यहीं पे हो गए हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं ऑफिस। हम निकले हैं सांगानेर से और मुझे जाना है जल महल। तो आज मैं लूँगा ये वाला रूट न्यू सांगानेर रोड से। पहले मैं जाऊँगा 200 फुट बाईपास श्याम नगर होता हुआ और फिर वहाँ से चांदपोल होता हुआ सीधा अंदर से सीधे चला जाऊँगा मैं जल महल की तरफ। तो अंदर का रास्ता रहेगा, पुलिस वालों की कोई इतना इशू रहेगा नहीं यहाँ से। तो अब बस जल्दी जल्दी से ऑफिस पहुँचना है। ऑफिस का टाइम लगभग होने ही वाला है। बत्ती हो रखी है यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है, बस इधर थोड़ा मामू न खड़े हो, सारे मामू पकड़ लेंगे अगर मोबाइल देखेंगे तो पीसी पे लगा हुए। सामने मेट्रो की लाइन दिख रही है, ये मानसरोवर का पहला जो मेट्रो स्टेशन है वो यहीं पर ही है, यहीं से स्टार्टिंग होती है मेट्रो की। तो गाइस, कल था संडे और कल हमने अपना पहला व्लॉग शूट किया था रिंग रोड का, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पहला व्लॉग था हमारा, अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर बत्ती आ गई, ये मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन। हम यहाँ से श्याम नगर होते हुए सीधे अजमेर रोड की तरफ निकल जाएंगे। छुट्टी के बाद मैं ऑफिस जाने में बड़ा जोर आता है, फिर भी जाना तो पड़ता ही है। ड्यूटी का चक्कर बाबू भैया, ड्यूटी का चक्कर जो कि पूरा करना ही होगा। हम श्याम नगर में एंटर हो चुके हैं, हमारी फौज की गाड़ी खड़ी हुई है इधर। भाई, श्याम नगर क्रॉस करके हम ये अजमेर रोड के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से इस पुलिया के ऊपर चढ़ेंगे, तुलसी सेतु मार्ग। यहाँ से ना जयपुर सिटी का नज़ारा बहुत प्यारा लगता है, तो ज़्यादातर मैं इस रोड से भी काफ़ी आया जाया करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप मोटो ब्लॉग्स वगैरह तो देखते रहते हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपको मोटो ब्लॉगिंग का जो है शौक होगा देखने का। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर देखते हैं मोटो ब्लॉगिंग के अंदर जो प्री प्लान्ड एक्सीडेंट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो कोई कभी किसी को क्या रोक लेता है, कोई क्या रोकता है, इस तरीके से। तो इस तरीके का वीडियो हमारे वीडियो के अंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से एक राय देना चाहता हूँ। तो क्या व्यूवर्स को इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं क्या? तो अगर ऐसा हो तो फिर हम भी कुछ करें, ज्ञानबाजी लगाए कोई चिकनम विकनम किसी का, जो रास्ते में हमें भी रोक ले और इस तरीके के फालतू की बकचोदी करे। तो फिलहाल अभी तो नई स्टार्टिंग है, तो फिलहाल के अभी के वीडियो के अंदर तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। आगे के वीडियो का देखते हैं आगे हमें कैसे क्या करना है। तो अभी देख सकते हैं जयपुर शहर हमारा यहाँ से पूरा दिख रहा है, वहाँ सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, बस उस पहाड़ के वहीं पे मुझे जाना है ऑफिस में, वहीं मेरा ऑफिस है उस पहाड़ के नीचे। आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा नज़ारा यहाँ से जयपुर सिटी का पूरा दिखता है। काफ़ी लंबी पुलिया आई है, यहाँ से मेट्रो भी आएगी आगे। ये हमारी
का नाला जो आ रहा है हमारे, कल भी मैंने आपको वीडियो देकर दिखाया था इसको, शानदार बिल्डिंग है। पुलिया क्रॉस कर लूँगा ना उसके बाद थोड़ा मेरे को रिस्क रहेगा, क्योंकि वहाँ आगे क्या है पुलिस का पूरा जाप्ता खड़ा रहता है, क्योंकि हम जो है वो यहाँ से निकलेंगे सीधा चांदपोल की तरफ। चांदपोल से पहले पहले जितनी भी जगह आती है, मेट्रो स्टेशन आता है यहाँ पे और रेलवे स्टेशन का रास्ता आता है, पोलो विक्ट्री जो कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड का रास्ता आता है, तो उन सभी जगह पर थोड़ा सा पुलिस का जाप्ता जो है ना अच्छे तरीके से खड़ा रहता है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है नहीं कि भाई क्योंकि मैंने मोबाइल लगा रखा है आगे फ़ोन के आगे, सॉरी हेलमेट के आगे मैंने अपना मोबाइल लगा रखा है, तो हो सकता है पुलिस वाले उसको देख के थोड़ा सा मुझे पकड़ सकते हैं, तो रिस्क मैं ज़्यादा सा लूँगा नहीं, जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा तो थोड़ा सा चुपका लग से साइड में से होकर गाड़ी का अपन निकाल लेंगे। काफ़ी लंबी है वो, काफ़ी टाइम भी बचाती है ये। हम वहाँ से चढ़े हैं इसके अंदर अजमेरी रोड से, अजमेरी रोड से हम इसके अंदर एंटर हुए हैं और ये हमें सीधा जो है अजमेरी पुलिया की तरफ उतारेगी, तो ये 4-5 किलोमीटर की जो पुलिया है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जो है रास्ता आपका टाइम आपका बचा देती है ये पुलिया हमारा। डेली का यही रूटीन रहता है, कभी हम वैसे तो मैं सिटी से होके निकलता हूँ, जयपुर सिटी की तरफ से, ये किसी का पर्स पड़ा हुआ रह गया है, वो लेडीज़ का पर्स गिर गया, यहाँ थोड़ा सा रोकना सही नहीं था, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही है कि मोटो ब्लॉगिंग हमने रिसेंटली जैसे स्टार्ट की ही है, कल रात को सोया उसके बाद में पूरी रात में बस मुझे मोटो ब्लॉगिंग के ही सपने आए थे, कभी मैं अपना कैमरा सही कर रहा हूँ, कभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, हेलमेट एडजस्ट कर रहा हूँ, ये वो, तो पूरी रात बस इसी चीज़ के अंदर में लगा रहा। तो ऐसा होता है जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं करते रहते हैं तो माइंड के अंदर वही चीज़ आती है और सपनों के अंदर हमें वही चीज़ें सब दिखती है, तो सपनों का भी बड़ा अपना लफड़ा है ये, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच के सोते हैं तो हर रात को गर्लफ्रेंड रहती है सपनों के अंदर परेशान करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा लफड़ा है, इंसान को सोच समझ के ही सब कुछ करना पड़ता है, अगर किसी के बारे में सोचो तो ये दिक्कत हो रहती है कि यार साला सपने में नहीं आ जाए। और ये फिर यहाँ पर ट्रैफिक, इस जगह थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक मिलेगा ही, ट्रैफिक हमेशा मिलता है यहाँ पर, और यहीं पर आगे थोड़ा सा पुलिस वाले जो है वो भी खड़े मिलेंगे, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं बच्चे और ये हमारे कैमरे की तरफ देखते हुए साइड में से उसे निकाल लो वरना मैं पकड़ लेंगे। चलो अभी तो रस्सी बंद है, थोड़ा सा उधर साइड मामू है तो मैं इस साइड से निकालूंगा,
तो चलो ये वाली जो बस्ती है वो तो हमने क्रॉस कर ली है, अब थोड़ा सा आगे का है दिक्कत। तो गाइस आगे जो है वो पुलिस वाले थोड़ा सा खड़े हुए हैं, मैं इधर अंदर से ही थोड़ा होके निकाल लूँगा क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। अरे धन्य मुझे सब ध्यान नहीं गया उनका, मेरी थोड़ी सी फट रही है, कभी किया नहीं है इस तरीके से सिटी के अंदर ब्लॉग। पुलिस वालों का क्या रिएक्शन होता है ऐसे देख के वो भी मुझे पता है नहीं, तो इसके थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। और ऑफिस ऑलरेडी 9:55 हो चुके हैं ऑफिस के टाइम के लिए, मात्र अब हमारे पास में 5 मिनट बाकी है। यहाँ भी पुलिस का पूरा जाप्ता खड़ा हुआ है, ओहो यहाँ भी पूरा जाप्ता है, कोई ना कोई तो इश्यू है इसी वजह से पुलिस वाले इतने यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा कोई नेता वेता आया हुआ है, ये हमारा फिर बत्ती आ गई है, ये बत्ती तो ओपन हो गई है। उधर सामने भी पुलिस का जाप्ता खड़ा हुआ है, तो थोड़ा इधर से निकाल लेते हैं, उनका ध्यान नहीं गया हमारे पर। अच्छा ये थोड़ा सा गाड़ियाँ साइड में करवा लिया, कोई आ रहा होगा देखा होगा। तो हम पहुँच चुके हैं चांदपोल, अब यहाँ से जो है अब मैं आप आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे गाइस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चांदपोल, अब यहाँ से हमें अंदर अंदर से होके जाना है। वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है बस उसके पीछे ही मेरा ऑफिस है, वहाँ ऑफिस से एक बार पहुंच के और उससे पहले ही मैं अपना जो ये वीडियो है उसको पूरा कर दूंगा। तो आगे भी देख सकते हैं आप पुलिस वाले काफ़ी खड़े हुए हैं, तो हमें इतना रिस्क नहीं सकता। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम इसी तरीके से आपके लिए एक मोटो ब्लॉग लाते रहेंगे।